फुटकर व्यापार का अगर हम अर्थ देखें तो फुटकर से अगर हम समझें तो ये जो होते हैं फुटकर व्यापारी, ये इस पूरे व्यापार की अंतिम कड़ी होते हैं। अभी तक जो हमने चैनल देखा था कि ये जो उत्पाद होता है, उत्पादनकर्ता या निर्माता से कहा जाता है थोक विक्रेता की ओर, थोक विक्रेता से फिर फुटकर विक्रेता के पास जाता है, फिर ये उपभोक्ता तक पहुंचता है। मतलब ये अंतिम कड़ी हुई है उपभोक्ता तक पहुंचने से पहले। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि ये जो फुटकर व्यापारी होते हैं, ये थोक व्यापारियों से थोड़ी थोड़ी मात्रा में अपनी आवश्यकता के अनुसार वस्तुओं को खरीदते हैं और उनको उपभोक्ताओं को विक्रय करते हैं उनकी आवश्यकता के अनुसार। अगर हम फुटकर व्यापार को देखें तो इसे इंग्लिश में हम रिटेलर कहते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब अगर इस शब्द को हम विभक्त करें तो इसे दो भागों में विभक्त किया जा सकता है, पहला है री और दूसरा है टेलर। री मतलब पुनः, मतलब बार बार, है ना, और टेलर का अर्थ होता है काटना या बांटना। अगर हम रिटेलर की मीनिंग समझें तो ये वो लोग होते हैं जो थोक व्यापारियों से छोटी छोटी मात्रा में या थोड़ी थोड़ी मात्रा में वस्तुओं को खरीद कर उपभोक्ताओं को सीधे सीधे उनकी आवश्यकता के अनुसार ही पुनः विक्रित करते हैं। तो ये तो हुआ इस फुटकर व्यापार का अर्थ। आइए इसे हम और अच्छी तरीके से जानने की कोशिश करते हैं कुछ परिभाषाओं के माध्यम से। जैसे कि कुछ परिभाषाएं आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली परिभाषा है जो कि कहती है, जो कि दी गई है कैंडिफ एम स्टील के द्वारा। इनके अनुसार फुटकर व्यापार में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं जो अंतिम उपभोक्ता को सीधे बेचने से संबंधित होती है। एक और परिभाषा देखते हैं जो कि दी गई है अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के द्वारा। उनके अनुसार एक फुटकर व्यापारी एक व्यवसायी या कभी कभी एक एजेंट होता है जिसका मुख्य व्यवसाय अंतिम उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष रूप से विक्रय करना होता है। एक और परिभाषा देखते हैं आइए। प्रोफेसर क्लार्क एंड क्लार्क के अनुसार फुटकर व्यापार के अंतिम उपभोक्ताओं को किए जाने वाले सभी प्रकार के विक्रय सम्मिलित होते हैं। तो अगर हम इसको समझें तो फुटकर व्यापार क्या है? फुटकर व्यापार वह या इस तरीके का व्यापार है जिसमें क्या होता है, ये व्यापारी थोक व्यापारियों से थोड़ी थोड़ी मात्रा में सामान लेकर के या उत्पादों को क्रय करते हैं और इन उत्पादों को अपने जो अंतिम उपभोक्ता हैं उन तक पहुंचाने का कार्य करते हैं उनकी आवश्यकता अनुसार। इस तरीके से आपने फुटकर व्यापार के कॉन्सेप्ट को जान लिया और साथ ही साथ उनकी परिभाषाओं को जान लिया। आइए अब हम उनकी विशेषताओं के माध्यम से उसे और अच्छी तरीके से जानने की कोशिश करते हैं कि फुटकर व्यापार क्या है। विशेषताएं जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पहली विशेषता कहती है कि विभिन्न वस्तुओं का व्यापार। बिल्कुल सही बात है, आप अपने पास की दुकान में जाके देख लीजिए, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, एक चीज़ नहीं रहती है ना। तेल रहता है, टूथपेस्ट रहता है, पाउडर के डब्बे रखे होते हैं, साथ ही साथ बहुत सारे खाद्य उत्पाद भी रखे होते हैं, साबुन होता है, सर्फ होता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, चावल होता है, गेहूँ होता है, दाल होता है, चॉकलेट्स होती हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक छोटा सा शॉप आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है फुटकर व्यापारी का। यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि यहाँ पर बहुत से प्रकार की अलग अलग तरीके की वस्तुओं को रखा गया। ये इसकी पहली विशेषता थी। दूसरी विशेषता कहती है थोड़ी मात्रा में क्रय। बिल्कुल सही, ये जो है थोक व्यापारियों से थोड़ी थोड़ी मात्रा में वस्तुओं को क्रय करके उनका स्टॉक रखते हैं और जैसे ही वो स्टॉक क्लियर हो जाता है वो फिर से थोक व्यापारियों से उनकी आवश्यकता के अनुसार या उपभोक्ताओं की आवश्यकता के अनुसार कि वहाँ की उपभोक्ता की रिक्वायरमेंट कैसी है उसके अनुसार वो फिर से जो है थोक व्यापारियों से वस्तुओं को क्रय करके अपने साथ ले आते हैं। तीसरी विशेषता कहती है कि ग्राहकों की आवश्यकता अनुसार विक्रय करते हैं। बिल्कुल सही बात है। अब ये जो थोक व्यापारी होते हैं, जैसे कि आप जानते होंगे आपके आस पड़ोस में जो फुटकर व्यापारी होते हैं, वो आपकी आवश्यकताओं को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं या आपके उनसे जो जुड़े हुए उपभोक्ता हैं उनकी आवश्यकताओं को वो बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि उनकी रोज़मर्रा की आवश्यकताएँ क्या हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लें या उदाहरणार्थ हम लें तो किस प्रकार का टूथपेस्ट यहाँ के लोग अक्सर यूज़ करते हैं, जनरल ब्रांड्स वो रखते हैं, ठीक है। इसके अलावा कौन से पाउडर, फेस पाउडर वो यूज़ करते हैं या फिर
किस प्रकार के गेहूं को साधारणतः या किस प्रकार के चावल को आटे को वो लेना पसंद करते हैं, या उनके नॉर्मल शैम्पू में अगर हम देखें तो बड़े डिब्बों को लेना पसंद करते हैं या पाउच यानी सैशेस को लेना पसंद करते हैं। तो वो हर तरह की चीज़ों को रखते हैं कि लोग जो है या कस्टमर जो हैं अपने परचेजिंग पावर यानी वो उनकी जितनी शक्ति है जिस प्रकार वो क्रय कर सकते हैं वो उस तरीके का स्टॉक मेंटेन करते हैं और अपने उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। आगे बढ़ते हैं अगली विशेषता की ओर। अगली विशेषता कहती है कि ग्राहकों से व्यक्तिगत संपर्क। बिल्कुल, ये ग्राहकों से व्यक्तिगत संपर्क रखते हैं। आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो है वो ग्राहकों से अपने संबंधों को अच्छी तरीके से रखने का और सुमधुर रखने की कोशिश करते हैं जिससे कि वो कस्टमर हमेशा बना रहे और कस्टमर उन्हीं की दुकान से हमेशा उन वस्तुओं को लेकर जाए। आपने कई बार ऐसा भी देखा होगा कि अगर कोई वस्तु मांगने पर उपभोक्ता के द्वारा अगर उस दुकान में अवेलेबल नहीं है तो वो ये भी कहते हैं कि आप शाम तक आ जाइए या कल तक आ जाइए, ये वस्तु मैं आपको ला करके दे दूंगा। तो ये एक जो है कस्टमर सेटिस्फैक्शन या जो है पर्सनल रिलेशनशिप बनाने वाली बात है या व्यक्तिगत संपर्क बनाने वाली बात है, तो ये भी वो करते हैं। फिर बात आती है स्थानीय विक्री की। ये लोग क्या करते हैं कि अपने आसपास के जितने लोग हैं जितने कस्टमर हैं उनको उनके घर तक जो है घर पहुँच सुविधा भी देते हैं साथ ही साथ अन्य सुविधाएँ भी देते हैं। फिर बात आती है उधार एवं नकद बिक्री की। तो ये बहुत से कस्टमर्स ऐसे भी रखते हैं जिनमें ये उधार में देते हैं जिन पर ये ट्रस्ट या विश्वास करते हैं कि इन्हें बाद में इनके पैसे मिल जाएंगे। तो कुछ ऐसे कस्टमर्स ये बनाते हैं जिन्हें ये वस्तुओं को उधार में भी देते हैं और साथ ही साथ नकदी में भी विक्रय करते हैं। फिर बात आती है सजावट एवं दिखावट की। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कई बार आपने शॉप्स के सामने भी दिखा होगा कि बहुत बड़े बड़े जो शेल्फ्स लगाए जाते हैं जिसमें चिप्स के पैकेट्स और भी किसी कई प्रकार के जो स्नैक्स होते हैं उनके पैकेट्स टंगे होते हैं। साथ ही साथ आपने कई बार दुकानों के सामने भी देखा होगा जहां पर शैम्पू के पाउच या सैशो साथ ही साथ आपने शॉप के ऊपर कई बार देखा भी होगा कि रेलिंग पे कई बार क्या होता है शैम्पू के पाउचेस या सैशे लटके होते हैं अलग अलग ब्रांड्स के। तो ये सब दिखावट या सजावट का तरीका है। कई बार चॉकलेट्स को बहुत अच्छी तरीके से सजाया जाता है चॉकलेट बॉक्स में कि अलग अलग ब्रांड के चॉकलेट्स दिखाए जाएँ। जैसे कि आप स्क्रीन में अलग अलग जैसे मैं उदाहरण आपको बता रही हूँ आपके स्क्रीन पर ये जो दृश्य है वो विजुअल हैं आपको दिख रहे हैं, तो इस तरह के उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो फुटकर विक्रेता है वो अपने शॉप्स को सजाने का और दिखा वहाँ पर वस्तुएँ आसानी से लोगों को दिख जाए इस तरीके से वो व्यवस्थित करते हैं। फिर बात आती है ग्राहकों की अधिकतम संतुष्टि करना। जैसे मैंने बताया ग्राहकों की अधिकतम संतुष्टि कैसे होगी कि कोई माल ले गए लेकिन अब वो पसंद नहीं है तो उसके बदले दूसरी वस्तु ले जाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ अगर वो वस्तुओं को उस समय नहीं ले जा पा रहे हैं तो घर पहुंच सेवा भी देंगे। तो इस प्रकार से वो ग्राहकों की संतुष्टि का भी ध्यान रखते हैं। इन विशेषताओं के अलावा भी कुछ अन्य विशेषताएं होती हैं जो कि इस प्रकार हैं। उसके अनुसार मध्यस्थों की श्रृंखला की अंतिम कड़ी होती हैं ये। पहली कड़ी कौन है? थोक व्यापारी। और ये अंतिम कड़ी होते हैं, बीच में कभी कभी एजेंट भी आ जाते हैं। फिर हम बात करें दूसरी अन्य विशेषताओं में तो वो है उपभोक्ता की रुचि फैशन आदत का ध्यान रखते हैं। बिल्कुल सही बात है कि आप किस तरीके की चीज़ों को पहनना पसंद करते हैं, कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, अगर कोई फेस्टिवल आ रहा है तो उस समय आपकी रिक्वायरमेंट क्या होती है उनको ये भी पता होता है आपके साथ रहते रहते या आपके साथ व्यापार करते करते। तो ये इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं और अपने स्थानीय लोगों के साथ ये बहुत अच्छे संबंध स्थापित करते हैं और उनके साथ व्यापार करते हैं। फिर बात आती है आवश्यक पूंजी की व्यवस्था, ये स्वयं करते हैं अपने व्यापार को चलाने के लिए और साथ ही साथ व्यवसाय के जो समस्त जोखिम हैं वो स्वयं उठाते हैं। तो ये जो कुछ विशेषताएं थी जो कि फुटकर व्यापारियों की थी और जिसको जानने के बाद आशा करती हूँ फुटकर व्यापार होता क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए अब हम देखते हैं कि फुटकर व्यापारी के कार्य क्या क्या हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं पहला कार्य आपको दिखता है कि जो फुटकर व्यापारी होते हैं वो अपने क्षेत्र के ग्राहकों
की विभिन्न माल की आवश्यकताओं का पूर्वानुमान लगा लेते हैं। बिल्कुल सही बात है कि ये अपने ग्राहकों को अच्छे तरीके से जानते हैं, उनकी आवश्यकताओं को समझते हैं और कब किस समय उनकी कैसी आवश्यकताएं होंगी उनका पूर्वानुमान लगा करके स्टॉक को मेंटेन करके रखते हैं। दूसरी हम कार्य की ओर चलते हैं। दूसरा कार्य कहता है कि जो फुटकर व्यापारी होते हैं ये अपने क्षेत्र के ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न थोक व्यापारियों से माल खरीदकर अपनी दुकान पर माल का उचित संग्रह करते हैं, क्योंकि ये इनकी आवश्यकताएं जानते हैं और उनके रहन सहन का तरीका, साथ ही साथ उनको किस तरीके के उत्पाद पसंद हैं, तो इस तरीके से वो क्या करते हैं, विभिन्न निर्माताओं से या उत्पादकों से उनके उपभोक्ताओं की पसंद की या उनकी आवश्यकताओं की वस्तुओं को खरीदते हैं और उन्हें उचित रूप से संग्रह करके उन्हें उचित दरों पर या उचित मूल्यों पर विक्रय करते हैं। अगला कार्य है कुछ इस प्रकार कि ग्राहकों को उनकी आवश्यकता के अनुसार अच्छा माल की बिक्री करते हैं। उनका प्रयत्न हमेशा यही होता है कि अपने ग्राहकों को संतुष्ट रखें, उनकी इच्छाओं को संतुष्ट रखें, उनकी आवश्यकताओं को संतुष्ट रखें और उन्हें हमेशा अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट ही दें। फिर बात आती है कि ये अपने ग्राहकों को उधार माल तो बेचते ही हैं लेकिन साथ ही साथ माल वापस करने व निशुल्क मरम्मत करने की सुविधा भी देते हैं। बिल्कुल सही, आपने आपके आसपास के स्टोर्स में भी आपने देखा होगा कि जहां आप जाते होंगे तो वो लोग आपको ये फैसिलिटी देते होंगे कि आप अगर कुछ सामान वापस करने आए हैं तो उसके बदले दूसरा कुछ ले जाइए, या फिर उनको कभी कभी आप लोगों को जहां से आपने कोई गैजेट लिया हुआ है या इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस लिए हुए हैं या मान लीजिए आपने कहीं से कूलर ही लिया हुआ है तो वो पास की दुकान या वो फुटकर विक्रेता क्या करता है, अगर कोई समस्या आती है तुरंत के तुरंत तो वो तुरंत फ्री सर्विस देने आ जाता है। तो ये सारी जो फैसिलिटीज़ हैं ये इन फुटकर विक्रेताओं के द्वारा या व्यापारियों के द्वारा अपने कस्टमर्स से अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए और अपने कस्टमर्स को बनाए रखने के लिए इस तरह की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं या ये क्रियाएँ करते हैं। आगे जो है वो अगला कार्य है ग्राहकों को नवीनतम वस्तुओं की जानकारी देकर एवं उनके व्यावसायिक ज्ञान में वृद्धि करते हैं। जैसे ही कोई नया प्रोडक्ट अगर वो अपने स्टोर में लेके आते हैं और कोई कस्टमर उससे रिलेटेड प्रोडक्ट के बारे में जानकारी चाहता है, मान लीजिए कोई महिला किसी कॉस्मेटिक की दुकान में गई और वहाँ पर उसने एक कंडीशनर ही मांगा, फॉर एग्जाम्पल अगर नया कंडीशनर कोई आया है दुकान में या उस शॉप में कोई नया ब्रांड अच्छा ब्रांड आया है तो वो शॉपकीपर क्या करेगा या वो दुकानदार क्या करेगा, उसकी जानकारी उस महिला को देगा और उसको कन्विंस करने की कोशिश करेगा या उसको समझाने की कोशिश करेगा अपनी बात की ये प्रोडक्ट जो है वो अच्छा प्रोडक्ट है, ये आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है, आप इसको उपयोग में लाइए और बताइए फिर ये कैसा है करके। तो इस तरीके से जो है वो वस्तुओं की जानकारी देते हैं अपने कस्टमर्स को नए प्रोडक्ट्स की। फिर बात आती है अपने क्षेत्र की आवश्यकता के समय माल की बिक्री करके कृत्रिम अभाव की स्थिति नहीं होने देते। अभी आपने कोविड काल में इन चीज़ों को महसूस किया होगा, जब सारी चीज़ें बंद थी तो जब कुछ दिनों के लिए ये जब फुटकर विक्रेता अपनी दुकान को खोलते थे तो ये किसी भी प्रकार का कृत्रिम अभाव ना पैदा करते हुए अपने कस्टमर्स की या अपने उपभोक्ताओं की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयत्न करते थे। अगला कार्य है वो अपने माल के विभिन्न जोखिम उठाते हैं। बिल्कुल सही बात है, बहुत सारे प्रकार के जोखिम आते हैं, दुकान में रखे रखे माल खराब हो सकता है, ट्रेंड चेंज हो जाएगा तो वो माल बिकेगा नहीं, ठीक है, माल की कॉस्ट में एक निश्चित समय के बाद कमी आ सकती है, तो उस तरीके से ये जो जोखिम होता है उस जोखिम को किस तरीके से बेयर करेंगे या किस तरीके से उसको झेलेंगे, सारी प्लानिंग सारी चीज़ें ये खुद ही करते हैं, या आपने कह सकते हैं सीधे शब्दों में कि वो इन विभिन्न जोखिमों को खुद ही उठाते हैं। अगला जो कार्य है वो है ये प्रायः अच्छी किस्म व मानवीकृत वस्तुओं का विक्रय करते हैं और साथ ही साथ ग्राहकों की रुचि व पसंद के अनुसार माल रखते हैं और उन्हें चयन की सुविधा भी देते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि आप अगर किसी शॉप में जाएंगे और आपके सामने वो आपने कहा भैया एक साबुन दे दीजिए तो वो अपने विवेक के अनुसार या अभी तक आपको जितना समझा है आपकी पसंद के अनुसार वो साबुन रखता है, लेकिन मान लीजिए आपको इस समय कुछ दूसरा चाहिए तो अगर वो आप बताते हैं तो अगर वो उसके स्टोर में अवेलेबल है तो वो दोबारा वापस जा करके आपके लिए उस वस्तु को आपको देता है।
फिर बात आती है ये थोक व्यापारियों की मदद से उपभोक्ता की आवाज़ जो है निर्माता तक पहुंचाते हैं। बिल्कुल सही बात है कि उपभोक्ता की क्या नीड है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या आवश्यकता है, उसको किस तरह का उत्पाद चाहिए, ये जो है एक फुटकर व्यापारी थोक व्यापारी को बताता है और वो बात जो है फिर उसके बाद निर्माता तक पहुंचती है। तो बच्चों इस प्रकार से हमने फुटकर व्यापारियों के कार्यों को जाना है। आइए अब हम देखते हैं कि ये जो फुटकर विक्रेता हैं उनकी सफलता के लिए कुछ आवश्यक तत्व हैं वो कौन से हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं फुटकर विक्रेताओं की सफलताओं के लिए आवश्यक तत्व में पहला तत्व आता है वस्तुओं का उचित चुनाव करना। बिल्कुल सही बात है कि आप अपने दुकान में किस प्रकार की वस्तुओं को रखेंगे सबसे बड़ी बात होती है। आपके कस्टमर्स यानी उस फुटकर विक्रेता के कस्टमर्स कैसे हैं, उसकी पसंद क्या है, उनको किन वस्तुओं की आवश्यकता है, ये उस फुटकर विक्रेता को जानना बहुत ज़रूरी है या फुटकर व्यापारी को जानना बहुत ज़रूरी है और उस हिसाब से ही उसे वस्तुओं का उचित चुनाव करना जानना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह सकते हैं अगर किसी फुटकर व्यापारी के कस्टमर्स जो हैं वो लोअर लेवल के कस्टमर्स हैं, मतलब लेबर वर्ग है, श्रमिक वर्ग, तो वो उनके हिसाब से रखेगा वस्तुओं को। यदि दूसरे हम एरिया की बात करें जहाँ पर हाई क्लास लोग रहते हैं तो वहाँ का जो फुटकर व्यापारी होगा वहाँ पे जो उत्पादों को रखेगा वहाँ पे उत्पाद जो है वस्तुएं सेम रहेंगी, साबुन यहाँ भी है साबुन वहाँ भी है, वॉशिंग पाउडर यहाँ पे भी है वॉशिंग पाउडर वहाँ पे भी है, लेकिन ब्रांड में डिफरेंस आ जाएगा, क्वांटिटी में डिफरेंस आ जाएगा और साथ ही साथ पैसों में, कीमतों में, दरों में भी डिफरेंस आ जाएगा। तो वो अपने जो भी उपभोक्ता हैं उनको जानना ज़रूरी है और उनके एक्सपेंस एक्सपेंडिंग या हम कह सकते हैं परचेजिंग कैपेसिटी को कि वो किस तरीके से ख़रीदी कर सकते हैं उसको जानना बहुत ज़रूरी है और उस तरीके से वस्तुओं का उचित चुनाव करना बहुत ज़रूरी है। फिर बात आती है वस्तुओं का ज्ञान। वस्तुओं का ज्ञान होना भी बहुत ज़रूरी है, ये बहुत बड़ी बात आती है। जैसे कई बार आप दुकान में भी गए होंगे, कई बार आपने देखा होगा कि आपके पेरेंट्स जब कपड़े खरीदते हैं या आपके लिए कपड़े खरीदने जाते हैं तो वहाँ पे वो सेल्समैन जो रहता है वो हमेशा कहता है देखिए ये आप पर कितना अच्छा लग रहा है, आपकी मम्मी को कहता है ये मैडम आपके ऊपर साड़ी कितनी अच्छी लग रही है, सर आपके ऊपर ये टी शर्ट बहुत अच्छी लगेगी, या फिर आप मान लीजिए फ़ोन लेने भी जाते हैं तो आपको आपके दिए हुए टारगेट में मान लीजिए आपने कहा कि 12,000 तक का फ़ोन लेना है तो उस रेंज में आपको कितने अच्छे फीचर्स के साथ कितना अच्छा फ़ोन के लिए वो आपको कन्विंस कर सकता है, मना सकता है ना, उसके लिए उसे वस्तुओं का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो फुटकर विक्रेता है उसे खुद के दुकान में रखी गई वस्तुओं का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। फिर बात आती है क्रय एवं विक्रय की। देखिए जो फुटकर व्यापारी है एक अच्छा विक्रेता है अगर तो, लेकिन उसके लिए उसे एक अच्छा क्रेता भी होना चाहिए। उसे ये जानना ज़रूरी है कि उसके उपभोक्ता की आवश्यकता क्या है, तभी तो वो उस अनुसार वस्तुओं को क्रय करेगा और जब वो अपने क्रय की गए वस्तुओं को अपने दुकान में रखेगा उसके बाद ही वो उनकी अपने उपभोक्ताओं की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उन वस्तुओं को उनको विक्रय करेगा। तो क्रय और विक्रय ये वाले जो बिंदु हैं वो यहाँ से स्पष्ट होती हैं। फिर बात आती है दुकान की सजावट की। तो हमेशा अपने दुकान को फुटकर विक्रेता या व्यापारी को इस प्रकार से सजाना चाहिए कि सारी चीज़ें विजिबल हो, मतलब दृश्य हो, कहीं भी ऐसा हैपसर्ट ना हो कि मिक्स हो गया है सब कुछ। मतलब मान लीजिए एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझा रही हूँ आपको, अगर किसी दुकान में अगर आप जाते हैं तो देखते हैं जो साबुन के शेल्फ हैं वहाँ पे साबुन, वहाँ पे अलग अलग तरीके का साबुन होता है, या तो आप देखेंगे कि ऊपर घरों में नहाने के डिफरेंट ब्रांड्स रखे हैं, फिर यहाँ पे बर्तन धोने के रखे होंगे, फिर यहाँ पे कपड़े धोने के रखे होंगे, फिर उसी के बाजू में जो है पाउडर, जो वॉशिंग पाउडर के डिफरेंट ब्रांड्स रखे होंगे। उसी प्रकार अगर आप जाएंगे तो फिर टूथपेस्ट का जो भी डिफरेंट ब्रांड्स रखे, मतलब ये पूरा जो है बाथरूम एरिया हो गया है ना। वैसे ही आप जाएंगे तो किचन की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे किचन के प्रोडक्ट्स मिलेंगे आपको, जहाँ पे सारे खाद्य उत्पाद मिलेंगे, आप
के जो हल्दी मिर्ची पाउडर से लेकर के चने मसाले और अलग अलग मसाले, इसके अलावा दाल चावल गेहूं आटा सारी चीज़ें, मतलब ये इस तरीके से रखी जाती हैं कि खाद्य उत्पाद चाहिए तो आप खाद्य उत्पाद के एरिया में चल जाइए, आपको बाथरूम से रिलेटेड वॉशिंग से रिलेटेड सामान चाहिए तो क्लीनिंग से रिलेटेड सामान चाहिए तो आप उस एरिया में चले जाइए। तो इस तरीके से दुकान को व्यवस्थित सजाया जाता है कि कस्टमर्स का व्यू एकदम क्लियर रहे और वो इसमें फंसे नहीं और जा करके अपने जो आवश्यक वस्तु है उसको आसानी से वह देख सके, उन्हें मिल सके और वह आसानी से उन्हें खरीद सके, इसके लिए उन्हें बहुत मेहनत करने की आवश्यकता ना हो। आगे बढ़ते हैं अगले तत्व की ओर। अगला तत्व कहता है बिक्री की नीति। देखिए बिक्री की नीति ऐसी होती है कि जो ये फुटकर विक्रेता है, जैसे मैंने बताया कि अक्सर ये उधार भी देते हैं और साथ ही साथ नकद भी देते हैं, लेकिन यहाँ पे इनको कुछ नीतियों का पालन ये भी करना पड़ता है, जैसे कि वो आफ्टर सेल सर्विसेज दे सकते हैं, साथ ही साथ वो क्या कर सकते हैं कि अपने कस्टमर्स को घर पहुँच सुविधा या होम डिलीवरी की भी सुविधा दे सकते हैं। तो इस प्रकार की नीतियों को वो अपना कर जो अपने प्रोडक्ट की या अपने व्यापार या अपने बिजनेस की सेल को बढ़ा सकते हैं। फिर बात आती है छठवें बिंदु की या छठवें तत्व की, नगद या उधार क्रय। इसके अनुसार हम यह समझ सकते हैं कि कोई भी फुटकर व्यापारी अगर ज़्यादा उधार में क्रय करके ज़्यादा स्टॉक रखेगा तो ये उसी पर बोझ बनता चला जाएगा, है ना। तो हर फुटकर व्यापारी को अपने कंधों पर आने वाले बोझ को ध्यान में रखना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके उसे निपटाना चाहिए। ठीक है, जितना क्रय किया है अगर उधार में किया है, नगद में किया है तो बहुत अच्छी बात है और उधार में भी किया है, दोनों ही स्थितियों में माल जितना है उसको लिमिट में रखें, जितनी आवश्यकता है उसको सेल करें और उसके बाद ही नया स्टॉक मेंटेन करें, है ना, जिससे कि जो जोखिम होता है वो अपने आप कम हो जाता है। फिर बात आती है दुकान की स्थिति की। तो दुकान की स्थिति ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर कस्टमर्स आसानी तक पहुँच सकें, है ना। उसके अलावा जो है उनके आसपास भी ऐसी दुकान हो जहाँ पर उन वस्तुओं का कंपैरिजन हो सके और उन वस्तुओं का कंपैरिजन होने से क्या होगा, अगर आपकी वस्तुएं ज़्यादा अच्छी हैं, आप सही कीमतों पर दे रहे हैं, आपका व्यवहार ज़्यादा अच्छा है तो इस स्थिति में आप ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को आकर्षित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने बच्चों देखा कि फुटकर विक्रेता की सफलता के लिए कौन कौन से आवश्यकता जरूरी है। बच्चों आपने फुटकर व्यापार क्या होता है ये जाना, उनकी परिभाषाएं जानी, उन्हें विशेषताओं के माध्यम से जाना और साथ ही साथ उनके कार्यों को समझा और ये भी समझा कि उनकी सफलता के लिए कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जिनकी आवश्यकता होती है। तो आइए अब हम इनकी द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के बारे में जानें। जैसे कि हमने थोक विक्रेताओं की सेवाओं की जानकारी ली थी, तो अगर हम फुटकर विक्रेता की सेवाओं को देखें तो ये दो लोगों को सेवाएं देते हैं। पहला जो है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सबसे पहले ये जो है थोक व्यापारियों को सेवा देते हैं और जो दूसरी सेवा होती है ये स्वयं उपभोक्ताओं को देते हैं, या इनकी जो सेवाएँ होती हैं वो उपभोक्ताओं के प्रति होती हैं। आगे बढ़ते हैं और इन दोनों की प्रति सेवाओं को अलग अलग रूप से समझने की कोशिश करते हैं कुछ बिंदुओं के माध्यम से, या किस किस तरीके से ये इन लोगों को सेवाएं देते हैं। पहले हम समझेंगे कि थोक व्यापारियों के प्रति सेवाएं किस प्रकार से दी जाती है फुटकर विक्रेताओं के द्वारा। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पहला बिंदु आपको नज़र आ रहा है वो है ग्राहक की रुचि एवं फैशन की जानकारी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो ये फुटकर व्यापारी होते हैं ये जो होते हैं उपभोक्ता से बहुत ही क्लोज होते हैं या उनके टच में होते हैं। ठीक है, इनका दिन प्रतिदिन या रोज़मर्रा के जीवन में जो कस्टमर हैं इनसे डायरेक्टली कनेक्टेड रहते हैं, ये जानते हैं कि आज इस समय उपभोक्ता को किस चीज़ की आवश्यकता है या उनकी रुचि किस चीज़ में है, ये अभी कौन से फैशन को फॉलो कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें इन जो होती हैं फुटकर व्यापारियों को पता होती है। तो जब ये जो रीडिंग करते हैं या ऑब्जर्वेशन हम कह सकते हैं अवलोकन करते हैं, इन अवलोकनों को किसको देते हैं, ये जो ग्राहकों की जानकारी होती है ये थोक व्यापारियों को देते हैं कि ये जो जानकारियाँ हैं वो उत्पादकों तक पहुँचें और जो रिक्वायर्ड चेंजेस चाहिए, मतलब
जिन परिवर्तनों की आवश्यकता है, किसके अनुसार, उपभोक्ता की रुचि एवं फैशन के अनुसार, उस तरह के माल जो हैं वो जल्द से जल्द बाज़ार में लाए जाएं। आप इसको अच्छे से उदाहरणों के तहत समझ सकते हैं। जैसे कि आप ज्वेलरी के शॉप में ही देखें, बहुत समय तक हम लोग क्या करते थे, ट्रेडिशनल वे में देखें तो गोल्ड की ज्वेलरी और सिल्वर की ज्वेलरी पहनना और मोतियों की ज्वेलरीज को पहनना बहुत पसंद करते थे। अब जो ज़माना आ गया है वो टोटली आर्टिफिशियल ज्वेलरी का आ गया है। बहुत सी चीज़ें इसके पीछे काम करती हैं। पहले तो सबसे बड़ी चीज़ कि गोल्ड अपने आप में और सिल्वर, सोना और चांदी दोनों अपने आप में बहुत एक्सपेंसिव हो गए और इनके खोने से नुकसान होने का खतरा बढ़ गया। दूसरी चीज़, जब हम आर्टिफिशियल ज्वेलरी की बात करते हैं, इसमें इमिटेशंस ज्वेलरी आती हैं और बहुत अलग अलग तरह की ज्वेलरीज आती हैं। ज्वेलरी मतलब जिन्हें स्त्रियां आभूषण हम कह सकते हैं, आभूषण पहनती हैं, उनकी बात कर रहे हैं। इसमें इतनी अलग अलग वेराइटीज़ आती हैं, साथ ही साथ ये कम दामों पर अलग अलग खूबसूरत डिज़ाइंस में अवेलेबल होते हैं। तो ये समय के साथ जो ज्वेलरी पहनने के तरीकों में भी डिफरेंस आया। अब लोग या स्त्रियां केवल सोने या चांदी के गहने ही नहीं पहनती, बल्कि उनकी उन्होंने जो ड्रेस पहनी हुई है या कॉस्ट्यूम पहनी हुई है, उस हिसाब से वो क्या पहनती हैं, अपनी ज्वेलरी को पहनती हैं, आभूषणों को पहनती हैं। अगर उन्होंने सिंपल साड़ी पहनी हुई है तो उसके ऊपर वो गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी पहन सकती हैं या सिंपल मोती की माला पहन सकती हैं। अगर उन्होंने कोई पार्टी वेयर पहना हुआ है तो उसके ऊपर एक हैवी माला पहन सकती हैं जो कि आर्टिफिशियल हो, लेकिन उसकी नक्काशी इतनी खूबसूरत हो कि वो ओरिजिनल से भी ज़्यादा खूबसूरत और चमकदार दिखे। साथ ही साथ अगर आप देखें, उन्होंने कोई डांस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना है या डांस वाला फंक्शन है जिसके लिए उन्होंने वैसा कॉस्ट्यूम पहना हुआ है, तो उस वजह से वो उस तरह की ज्वेलरी पहनेंगे। आजकल हम कह सकते हैं स्टील से बनी हुई ज्वेलरीज या गोल्ड कलर की हुई ज्वेलरीज जो आजकल फैशन में है, लंबे लंबे ईयररिंग्स और थोड़ा सा जो हम कह सकते हैं गुजराती लुक का जो चोकर रहता है, नेकलेस रहता है, तो ये सब फैशन, एक उदाहरण दिया मैंने फैशन और ट्रेंड का। उसी तरह का आप ड्रेस मटेरियल में भी देख सकती हैं। लोग समय के अनुसार या त्योहारों के अनुसार या हम कह सकते हैं अपनी सोच तथा व्यवहार के अनुसार, इवन आप कहीं जाएंगे तो आप जिस जगह जा रहे हैं, आप किस जगह जा रहे हैं, उस पर भी निर्भर करता है कि आप किस तरह के कपड़े पहन रहे हैं। अगर ऑफिस जा रहे हैं तो फॉर्मल्स पहनेंगे, अगर आप जॉगिंग पे जा रहे हैं तो जॉगिंग वाला ड्रेस पहनेंगे, अगर आप पार्टी में जा रहे हैं तो पार्टी वेयर ड्रेस पहनेंगे, अगर आप यूं ही मॉल घूमने जा रहे हैं तो आप कैजुअल्स पहनेंगे। तो इस तरीके का जो ट्रेंड चल रहा है, ये सारी चीज़ें जो बाज़ार में अचानक परिवर्तित होती हैं, बार परिवर्तन लाती हैं, ये सारे जो परिवर्तन हैं कस्टमर्स के जो फैशन और रुचि अनुसार उनमें परिवर्तन आते हैं, वो सारी जो जानकारियां हैं वो कहाँ जो ये फुटकर विक्रेता है वो थोक व्यापारियों तक पहुंचाते हैं। तो थोक व्यापारियों को जो ग्राहकों की ये जो रुचि एवं फैशन की जानकारी है उसके लिए उन्हें स्वयं न काम करके क्या करना पड़ता है, उनको ये जानकारी कहाँ से मिलती है, फुटकर व्यापारी से आराम से मिल जाती है। फिर दूसरा बिंदु आता है आंकड़ों का संकलन। अब इसमें क्या होता है कि ये जो फुटकर व्यापारी होते हैं ये आंकड़ों का संकलन करते हैं और ये इसके साथ साथ उत्पादकों तथा थोक व्यापारियों एवं जो सरकारी वाणिज्य विभाग है उनकी सेवा करते हैं। ये किस तरीके से सेवा करते हैं कि ये एक ऐसा टारगेट मार्केट डिसाइड करते हैं कि, और ये बताते हैं कि अगर कोई उत्पाद है तो उस बाज़ार में लगभग लगभग उस उत्पाद की कितनी आवश्यकता है ना। तो ये लगभग सही आंकड़े होते हैं जो कि फुटकर व्यापारियों द्वारा थोक व्यापारियों को के साथ साथ उत्पादकों को एवं जो सरकारी वाणिज्य विभाग है उनको ये डेटा दिया जाता है। तीसरा बिंदु जो आप देख रहे हैं, तीसरी सेवा जो आप देख रहे हैं वो है उपभोक्ताओं से संपर्क की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे थोक जो विक्रेता है, थोक व्यापारी है, उनको स्वयं उपभोक्ताओं से संपर्क करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये पूरा काम कौन करता है, फुटकर व्यापारी करता है, क्योंकि वो हमेशा अपने उपभोक्ताओं से घिरा होता है। हर छोटी सी छोटी चीज़ के लिए जो उपभोक्ता होते हैं वो फुटकर व्यापारी के पास जाते हैं और उन्हीं से वो वस्तुओं को खरीदते हैं। तो ये सभी चीज़ों के लिए जो थोक व्यापारी है उनको इस पर कार्य नहीं करना पड़ता। फिर बात आती है नवनिर्मित माल का प्रचार करना। अब जैसे ही मार्केट में कोई नई वस्तु आई
तो उस वस्तु का प्रचार प्रसार करना कौन करता है? फुटकर विक्रेता करता है। उसको इसके बारे में जानकारी कौन देता है? फुटकर विक्रेता करता है। हालांकि इसको पहली जानकारी जो है थोक विक्रेता से प्राप्त होती है और थोक विक्रेता कहीं ना कहीं उनको मदद करते हैं, लेकिन आगे की जो कार्य करने का प्रोसेस हम कह रहे हैं या क्रियाविधि की अगर हम बात करें तो ये पूरी प्रोसेस आगे कौन फॉलो करता है? ये फुटकर व्यापारी ही करते हैं। तो इस तरीके से वो क्या करते हैं? नवनिर्मित माल का प्रचार करते हैं। अगर हम बात करें कि किसी भी हम स्टोर में जाएं, वहाँ पे कोई नया टूथपेस्ट आया है या कोई नया तेल आया है, अच्छा रिफाइन ऑयल, आजकल आप जानते हैं सब अपनी स्वास्थ्य को लेकर के एकदम ज़्यादा कॉन्शियस हैं, तो नए नए तेल के ब्रांड्स आते हैं। आजकल लोग फैट फ्री, कोलेस्ट्रॉल फ्री, ये सब तरह की चीज़ों से फ्री होकर के अच्छा एक ऑयल कंज्यूम करना चाहते हैं या यूज़ करना चाहते हैं। तो अगर मार्केट में ऐसा कोई नया तेल आया है, जैसे कि आप जानते हैं आजकल मार्केट में तेल के रेट बहुत बढ़ गए हैं, तो उसमें इतनी अच्छी क्वालिटीज़ हों कि वो कोलेस्ट्रॉल फ्री हो, फैट फ्री हो और आपके स्वास्थ्य का और आपके हृदय का ध्यान रखे, ऐसी क्वालिटीज़ के साथ वो कंपैरेटिवली अगर बाकी तेलों के माध्यम से उसकी कीमत कम होगी, तो वो क्या करेंगे? इस नवनिर्मित उत्पाद का वो क्या करेंगे? प्रमोशन करेंगे या प्रचार करेंगे और अपने उपभोक्ताओं को इस नवनिर्मित तेल के बारे में बताएंगे। ये एक सामान्य सा उदाहरण था आपको इस पॉइंट को समझाने के लिए। हम आगे बढ़ते हैं अगले बिंदु की ओर। अगला बिंदु कहता है कि माल के विक्रय का प्रबंध करना। बिल्कुल सही बात है कि माल को किस तरीके से विक्रय किया जाए, इसका पूरा प्रबंध कौन करता है? थोक व्यापारी न करके कौन करता है? फुटकर व्यापारी। क्योंकि उपभोक्ता किससे संपर्क में रहते हैं? उपभोक्ता जो होते हैं सीधे सीधे क्या होते हैं? वो फुटकर व्यापारियों से संपर्क में होते हैं। तो ये जो प्रबंध होता है वो फुटकर व्यापारियों के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि फुटकर विक्रेता किस प्रकार से थोक व्यापारियों को सेवाएं प्रदान करता है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फुटकर विक्रेता किस प्रकार से उपभोक्ताओं के प्रति सेवाएं देता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कुछ बिंदु हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे और जानने का प्रयत्न करेंगे कि फुटकर विक्रेता किस प्रकार से उपभोक्ताओं के प्रति सेवाएं देता है। आइए देखते हैं। पहला बिंदु, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पहला बिंदु है उपभोक्ताओं के निकट पहुंचना। बिल्कुल सही बात है, जो फुटकर व्यापारी होता है वो उपभोक्ताओं के निकट हमेशा पहुंचने की कोशिश करता है, वो उनसे जुड़ी हुई हर जानकारी को लेने की कोशिश करता है। जो कस्टमर हैं उनको क्या पसंद है, उनकी पसंद क्या है, साथ ही साथ उनके जो खर्च करने का तरीका क्या है, उन्हें किस तरीकों की चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो ये सब चीज़ों को वो जानने की कोशिश करते हैं। इससे क्या होता है, वो उपभोक्ताओं के निकट पहुंचते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बता सकती हूँ, अगर आप परमानेंट किसी शॉप से अपने लिए कपड़े खरीद रहे हैं, ठीक है, 3-4 बार आपने खरीद लिया या कई समय से आप उस शॉप से अपने लिए कपड़े खरीद रहे हैं, तो वो जो शॉपकीपर है या दुकानदार है उसे यह समझ में आ जाता है कि ये जो मेरा कस्टमर है इसकी पसंद कैसी है कपड़ों के मामले में। तो जब उसके दिमाग में एक पूरा पिक्चर बन जाता है कि नहीं, ये हमारे कस्टमर को इस तरह की चीज़ें पसंद है, तो वो आपके पसंद से रिलेटेड चीज़ें दिखाना शुरू करते हैं, है ना। तो ज़्यादा समय न लेते हुए क्या होता है कि आपको आपके पसंद की चीज़ें मिल जाती हैं, वो भी जानते हैं कि आप किस रेंज में, मतलब रेंज में यहाँ किस बात की चर्चा हो रही है कि आप कितने अमाउंट तक वो चाहती हैं, उतना अमाउंट तक भी आपको उस रेंज में उन कपड़ों की वैरायटी को दिखाएंगे। इसके अलावा भी अगर आप मोबाइल फ़ोन्स की बात करें, अगर किसी मोबाइल शॉप के परमानेंट ग्राहक हैं जहां हर कुछ इस तरह के सामानों को आप लेने जाते हैं, तो वो शॉपकीपर्स या वो स्टोर कीपर भी समझ जाते हैं कि ये जो कस्टमर है इसको किस तरह की चीज़ें पसंद हैं, ये ज़्यादा टेक्नोलॉजी बेस्ड हैं या ये कम कीमतों में सामान खरीदना पसंद करते हैं। तो उस तरीके से वो आपको वस्तुओं को प्रदर्शन करते हैं, उनको बता आपको उन वस्तुओं को दिखाते हैं और वो आपको प्रोत्साहित करते हैं कि आप इन वस्तुओं को खरीदें। तो इस तरीके से जो फुटकर व्यापारी होते हैं वो उपभोक्ता के निकट पहुंचकर उनको वस्तुओं को खरीदने में और चुनने में उनकी मदद करते हैं। जो दूसरा बिंदु है वो इस प्रकार है। दूसरा बिंदु कहता है रुचि तथा मांग की जानकारी रखना। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो फुटकर व्यापारी होता है उसे ये पता होता है कि उसके जो कस्टमर्स हैं या उपभोक्ता हैं उनकी जो रुचि किस प्रकार की है, वो आपके
दैनिक जीवन से कहीं ना कहीं जुड़ा होता है, ठीक है। वो आपकी पसंद नापसंद, किन्हीं त्योहारों पर आपकी आवश्यकताओं या कब किस समय आपकी किस प्रकार की आवश्यकता होती है, इसकी जानकारी उसे हमेशा होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लें या उदाहरण हम देखें तो आपके पास के परचून की दुकान की ही बात कर लें। अगर आप वहाँ से अक्सर किराने का सामान लेके आते हैं तो उसे एक आइडिया होता है कि आप इतने अमाउंट का सामान लाएंगे और आपको इन इन चीज़ों की आवश्यकता है और आप इस प्रोडक्ट में यही यही ब्रांड प्रेफर करते हैं, तो आपको उसमें ब्रांड लिखने की ज़रूरत नहीं होती है ना। कई बार क्या होता है, हमने नहाने का साबुन लिख दिया लेकिन वो दुकानदार हमें इतनी अच्छी तरीके से समझता है या जानता है कि उसे पता है या तो ये कस्टमर रिन लेगा या सर्फ एक्सेल लेगा या जो दूसरे बार कपड़े धोने के आते हैं वो लेगा। तो ये एक उदाहरण था इस चीज़ को बताने के लिए कि यहाँ रुचि तथा मांग की जानकारी रखना। इस प्रकार जो फुटकर व्यापारी होता है वो अपने उपभोक्ता की रुचि तथा मांग की जानकारी रखता है और उसे सही समय पर उसके आवश्यकता के अनुसार उसकी मांग की पूर्ति करके उसे संतुष्ट करता है। अगले बिंदु की ओर चलते हैं, वो है ग्राहकों को ठगे जाने का भय नहीं होता। अब क्योंकि जो ग्राहक होते हैं वो फुटकर व्यापारियों से हमेशा उनके से हमेशा संगत में रहते हैं, साथ ही साथ वो ये जानते हैं कि जिस व्यापारी से वो ले रहे हैं उनको किसी भी तरीके का ठगे जाने का भय नहीं होगा। जैसे कि हम एक अच्छे से उदाहरण से समझ सकते हैं कि अगर हमें किसी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस को लेना है, या फिर हो सकता है हम एक और अच्छे उदाहरण से समझ सकते हैं कि अगर हमें हमारे घर में कोई शादी होने वाली है उसके लिए बहुत बड़ी मात्रा में कपड़ों की खरीदी करना है तो हम उन दुकानों में जाएंगे जहां हम पहले से ही कई बार बहुत समय से शॉपिंग करते चले आ रहे हैं, तो वो हमारे लिए विश्वसनीय हैं, वो फुटकर व्यापारी हमें अच्छे से जानता है और हमें हमारे अनुसार कीमतों पर कपड़ों को इतनी बड़ी मात्रा में वो अवेलेबल करा देगा और हमें उससे क्वालिटी मतलब प्रोडक्ट की क्वालिटी या कपड़ों की क्वालिटी से लेकर के कोई भय नहीं रहेगा या ठगे जाने का कोई भय नहीं रहेगा। तो ये एक छोटा सा उदाहरण था इस बिंदु को समझाने के लिए, आशा है आपको ये बिंदु इस उदाहरण के माध्यम से समझ में आया होगा। अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। अगला बिंदु कहता है कि ग्राहकों के ज्ञान में वृद्धि करना। जब भी मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट आता है उसको उसके बारे में जो है विवरण दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर उपभोक्ता हैं या आप ऐसे उपभोक्ता हैं जो पहली बार टीवी देखने जा रहे हैं या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस लेने जा रहे हैं, मान लीजिए हमने टीवी स्मार्ट टीवी की बात करी, ठीक है, अभी तक आपने वो स्मार्ट टीवी यूज़ नहीं किया है, आप उस स्टोर में गए, वहाँ आपने कहा भैया हमें स्मार्ट टीवी लेना है आप हमारी हेल्प कर दीजिए, तो वो जो व्यक्ति है शॉपकीपर है या सेल्समैन है वो क्या करेगा, आपसे आपकी रेंज पूछेगा या आपको ये बताएगा कि ये जो स्मार्ट टीवी है इस रेंज से इस रेंज में मिलती है, साथ ही उसके डिफरेंट ब्रांड्स के बारे में आपको जानकारी देगा, साथ ही साथ वो क्या बताएगा कि इसमें कीमत के अनुसार इसके फीचर्स भी बदलते चले जाते हैं, आपको किस तरह के फीचर्स की आवश्यकता है वो आपसे इस तरह की जानकारी लेगा और उसमें सबसे अच्छा जो ऑप्शन रहेगा कि आपकी कीमत में भी आ जाए आपको वस्तु भी सही मिल जाए, इस तरह की जानकारी वो आपको देगा और आपको प्रोत्साहित करेगा कि आप उस वस्तु को खरीद ले। तो यहाँ पर ये बिंदु स्पष्ट होता है कि वो ग्राहकों के ज्ञान में वृद्धि करता है। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर होती है कि ग्राहक को केवल एक टीवी के बारे में पता नहीं चला बल्कि उन डिफरेंट ब्रांड्स के बारे में भी पता चला जो कि मार्केट में अवेलेबल है और उनमें इस टीवी के अलावा और भी क्या फीचर्स हैं वो भी जानकारी हुई, साथ ही साथ उनकी कीमतों की भी जानकारी हुई। तो यहाँ पर क्या हुआ, ज्ञान जो ग्राहक है उनके ज्ञान में वृद्धि हुई। आगे बढ़ते हैं, अगला जो पॉइंट है वो है माल छांटने की सुविधा। जो फुटकर विक्रेता होते हैं वो हमेशा अपने उपभोक्ताओं को माल छांटने की सुविधा प्रदान करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि आप शॉप में गए वो व्यस्त हैं तो कई बार वो लोग ये भी कह लेते हैं अगर आपसे उनके बहुत अच्छे पुराने टर्म्स हैं, साथ ही साथ वो आप पर ट्रस्ट करते हैं या विश्वास करते हैं तो वो आपको इतनी सुविधा देते हैं कि आप अपनी इच्छा अनुसार उन वस्तुओं को चुन करके एकत्रित कर लें और उसके बाद फिर वो उनको क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं और उनकी अमाउंट जितनी बनती है वो आपको बता देते हैं और आप फिर उनको पेमेंट करते हैं। तो यहाँ पर जो होता है माल छांटने की सुविधा भी कस्टमर्स को दी जाती है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी बात आती है विश्वसनीयता कि क्या आप उतने विश्वसनीय हैं एज अ उपभोक्ता उन फुटकर विक्रेताओं के लिए।
हम आगे बढ़ते हैं अगले बिंदु की ओर। अगली जो सेवा है वो है साख सुविधाएं। यहाँ पे क्या होता है, हर कस्टमर इतना फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होता, ठीक है, वित्तीय रूप से इतना मजबूत नहीं होता कि जो वो खरीदी कर रहा है वो तुरंत का तुरंत उसका पेमेंट जो है नकद में या कैश में कर दे। तो इस स्थिति में क्या होता है, ये जो फुटकर विक्रेता होते हैं अपने बहुत से ग्राहकों को या उपभोक्ताओं को वस्तुओं को उधार में विक्रय करते हैं और बाद में जब भी उनके पास पैसे आ जाएंगे वो उनसे पैसे ले लेते हैं। क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं इन फुटकर विक्रेताओं के ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स जो होते हैं वो वेतनधारी होते हैं और वेतन महीने की शुरुआत में आती है। तो अक्सर ऐसा होता है कि महीने की एक तारीख को जब उनको सैलरी मिलती है तब दो या तीन तारीख तक उनका जो पुराया बाकी रहता है वो वापस फुटकर विक्रेताओं को मिलता है, लेकिन फिर से एक नया महीना शुरू होता है इसलिए एक फिर से नया उधार चालू होता है। तो यहाँ पर जो साख सुविधा की बात आ रही है तो ग्राहकों को ये साख सुविधा देते हैं और इस प्रकार की सेवाएं भी प्रदान करते हैं। हम आगे बढ़ते हैं अगले बिंदु की ओर। अगला बिंदु कहता है ताज़ी वस्तुएं प्रदान करना। बिल्कुल सही बात है, जो फुटकर विक्रेता होते हैं वो हमेशा कोशिश करते हैं कि अपने जो भी रेगुलर उपभोक्ता हैं या उपभोक्ता हैं उनको ताज़ी वस्तुएं जैसे दूध, दही, पनीर, इसके अलावा ब्रेड, ये सारी जो चीज़ें हैं, फल, सब्जियां, ये ताज़ा उनको प्रदान करें, सड़ी हुई वस्तुएं ना प्रदान करें क्योंकि खुद इनकी इमेज इनसे ख़राब होती है, उनके कस्टमर्स ख़राब होते हैं। तो फुटकर विक्रेताओं की हमेशा यही कोशिश रहती है कि जो भी प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का हो, ताज़ा हो, वो अपने उपभोक्ताओं को वो दे ताकि उनके बीच और उपभोक्ता के बीच हमेशा अच्छे टर्म्स बने रहें और वो उपभोक्ता हमेशा उनसे जुड़े रहें। आगे बिंदु अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। अगला बिंदु कहता है मौसमी वस्तुएं परामर्श। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगी कि सर्दी का मौसम आता है, सर्दी के मौसम में आप क्या यूज़ करते हैं, मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जैसा ही मौसम चेंज होता है, आप अगर किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में गए या रेगुलर स्टोर में गए, वहाँ आपने गया कहा कि भैया हवाओं से मेरी स्किन फट रही है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कुछ उपाय बताइए या कोई क्रीम होगी तो दीजिए, तो वो आपको परामर्श देते हैं कि मैडम देखिए ठंड का मौसम आ रहा है, ठंडी हवाएं चल रही हैं तो इस समय आपको मॉइस्चराइजर्स का यूज़ करना चाहिए, या अगर गर्मी का मौसम आ रहा है आपने कहा कि मुझे यहाँ पे जलन हो रही है सूर्य की वजह से तो ये सनबर्न का है, तो वो आपको बताएंगे कि आप सनस्क्रीन लोशन लगाइए। तो इस तरह के ये छोटे छोटे उदाहरण के माध्यम से मैं बस आपको इतना बताना चाह रही हूँ कि इस तरीके से ये मौसमी वस्तुओं का परामर्श देते हैं आपको। फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले बिंदु की ओर। अगला बिंदु है मौसमी वस्तुएं उपलब्ध कराना। किस प्रकार से मौसमी वस्तुएं उपलब्ध कराएंगे, जैसे ठंड का मौसम आया तो ठंड के मौसम में आपको ठंड से रिलेटेड गर्मी के कपड़े, वुलन क्लोथ्स, वो अब ट्रेंड में कौन से हैं, अब वुलन लेंगे या और भी वैरायटीज़ आजकल आने लग गई हैं उन कपड़ों के ट्रेंड में, आप फर वाले लेंगे, किस तरह कपड़ा पसंद करेंगे, उसमें भी पार्टी वेयर लेंगे कि आप नॉर्मल ऑफिस वेयर स्वेटर्स लेंगे या जैकेट्स लेंगे, वो सारी चीज़ें वो आपको मौसमी वस्तुएं उपलब्ध कराते हैं आपकी इच्छा के अनुसार और आपकी आवश्यकता के अनुसार। अगला और अंतिम इसकी बिंदु है वो है सामिक सेवाएं। इस सेवा के अंतर्गत क्या होता है, इस सेवा के अंतर्गत जो फुटकर व्यापारी होता है वो इस तरह की सेवा उपलब्ध कराता है कि दी गई निर्धारित सीमा के अंदर यदि उस वस्तु में कोई खराबी आती है तो या तो उस वस्तु को रिप्लेस कर दिया जाएगा या उसकी फ्री सर्विसिंग उस उपभोक्ता को दी जाएगी। और इस तरीके से वो क्या करता है, अपने उपभोक्ता के साथ अपने रिलेशनशिप को या अपने संबंधों को सुदृढ़ बनाता है। साथ ही साथ वो कई बार ऐसे भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं कि वस्तुओं को घर पहुँच सुविधा यानी होम डिलीवरी की सुविधा भी देते हैं। तो बच्चों कुछ इस तरीके से हमने जाना कि जो फुटकर विक्रेता या फुटकर व्यापारी होता है वो किस प्रकार की अपनी सेवाएं देता है, किन्हें, पहला थोक व्यापारियों को और दूसरा उपभोक्ताओं को।